स्वतंत्रता दिवस को लेकर इंदौर में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जहां आम जनता में 75वें स्वतंत्रता दिवस का उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं इंदौर पुलिस ने भी तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत शुक्रवार सुबह राजवाड़ा से पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी पुलिस इकाई, पुलिस स्टाफ, नगर सुरक्षा समिति, सामाजिक संगठन, एनजीओ सहित आमजन शामिल हुए। तिरंगा यात्रा राजवाड़े से गुरुद्वारा वीर सावरकर मार्केट होते हुए पुनः राजवाड़ा पर समाप्त की गई। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने बताया कि तिरंगा हमारे राष्ट्रीय सम्मान और गौरव का प्रतीक है। तिरंगे के सम्मान में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ये अभियान लगातार 4 से 5 दिनों तक चलता रहेगा। तिरंगा हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक है। इस स्वाभिमान और गौरव के प्रतीक के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लगभग पुलिस के सभी अधिकारी, अधिकांश जवान और रक्षा समिति के और अन्य बहुत सारे नागरिक संगठनों के बहुत सारे सदस्य इसमें जुड़े थे। ये लगातार अगले 4-5 दिनों तक इस तरह के बृहद कार्यक्रम चलते रहेंगे। इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों में एक जोश, राष्ट्रीय स्वाभिमान और गरिमा का संचार होता है। पूरे शहर में जगह जगह पर अन्य भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी इस कड़ी में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन है, और इस तरह के कार्यक्रम का लगातार आयोजन से सभी लोगों में एक लेकर के नए उत्साह और राष्ट्र प्रेम और गरिमा का संचार हो रहा है। शुक्रवार को इंदौर में प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होंगे।